फैक्ट नंबर वन। दोस्तों गर्मियां अब ऑलमोस्ट हर जगह आ चुकी हैं और ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखना काफी अहम हो जाता है, पर हम पानी कब और किस मात्रा में पी रहे हैं ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों हाल ही में एप्पल कंपनी ने हाइड्रेट स्पार्क स्मार्ट वाटर बॉटल लॉन्च करा है, जो यूजर्स को अपने पानी के सेवन को एप्पल हेल्थ ऐप के साथ सिंक करने की अनुमति देता है। दोनों बॉटल स्ट्रॉ लीड के साथ नीचे एक LED पैक के साथ आती है, जो यूजर को दिन भर पानी पीने के लिए याद दिलाने के लिए अलर्ट करता है। पैक के कलर और पैटर्न को यूजर की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। कंपनी के अकॉर्डिंग बॉटल्स यूजर के बॉडी और एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हाइड्रेशन गोल कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करती है। इसे आप आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच पर ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पानी की बॉटल स्टेनलेस स्टील से बनी है और कुछ पार्ट ट्राइटन प्लास्टिक से बना है, जो पानी में गंध बनने नहीं देता। अभी इसकी कीमत 6,129 रुपए है। दोस्तों एप्पल कंपनी ऐसे ही अपने कस्टमर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखता है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज, सतीस्ता सर्वे कंपनी के मुताबिक इंटरनेट पर जितने भी लोग एक्टिव हैं, उनमें से 3% लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स या फिर साइट का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं में से एकमात्र इंडियन डेटिंग ऐप है फ्रेंड, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और ये ऐप 100% जेन्युइन है। इंडिया में लगातार बढ़ रहे डेटिंग कल्चर में फ्रेंड ऐप एक गुड टॉक पॉलिसी पर काम करता है, जहां किसी भी प्रकार की बुरी बातें करना अलाउड नहीं है, और इसकी यही खास बात इसे दूसरे डेटिंग ऐप से अलग बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला ये ऐप प्रोफाइल को वेरीफाइड करके किसी भी फेक यूजर को ऐप पर आने ही नहीं देता, और इसीलिए आपको यहाँ पर गर्ल्स या बॉयज के वेरीफाइड अकाउंट मिलेंगे, जिन्हें आप अपना दोस्त बना सकते हैं। यही नहीं, फ्रेंड ऐप आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता है। आप यहाँ पर चैटिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल जैसे फीचर्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 20 कॉइन से। इसके साथ ही आप सेल 100 कोड को यूज करते हुए आपको 100 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही छोड़िए फेक डेटिंग ऐप पर खर्च करना और डाउनलोड कीजिए फ्रेंड ऐप। फैक्ट नंबर 3। गाइस, किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकक्रप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे, तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी SUV लॉन्च की, जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6,000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 4। देश के इतिहास में अब तक नीरव मोदी के 14,000 करोड़ और विजय माल्या 9,000 करोड़ द्वारा किए गए घोटाले सबसे बड़े माने जाते रहे थे, लेकिन अब जो घोटाला सामने आया है उसने बैंकों की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। दरअसल इतिहास के अब तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस में CBI ने देश की जानी मानी शिप कंपनी ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के इस केस में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और MD ऋषि कमलेश अग्रवाल, CEO संताना मुतास्वामी और 3 अन्य डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया को आरोपी बनाया है। दोस्तों करीबन 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो शायद लाखों लोगों के काम आ सकता था, पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।